मेरी बेला तो झुमकी दिले दे नाक की ना थुली में के अति पसंद है। हेलो टू ऑल, तो सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम बैक टू माय चैनल GMTS क्रिएशन। आज हम आए हैं देहरादून के फेमस टेंपल में, जो कि बुद्धा टेंपल है और ये क्लेमेंटाउन एरिया में है। देहरादून के ISBT से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप कोई भी अगर देहरादून आए तो प्लीज़ यहाँ पर आइए और घूमिए, काफ़ी अच्छी जगह है। हम भी फर्स्ट टाइम आ रखे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड है, मैं आप लोग को मिलाती हूँ, तो वो अभी वीडियो बना रही है, आपको मिलाती हूँ। ये है दीपा, ये गाना बहुत अच्छा गाती है और अभी ये गाएगी भी ना आगे। हाँ तो चलिए, अभी हम आए हैं बुद्धा टेंपल और हम लोग भी घूम रहे हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कैसे। सो गाइज, मेरे घर से जो जाने का रास्ता है बुद्धा टेंपल, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आती है ITPP रोड, जो आप देख ही रहे हैं, ये गेट आप लोगों ने सभी ने देखा है। इसके बाद आती है GMS रोड, जो जाती है ISBT को। सो गाइज, बुद्धा टेंपल दिल्ली सहारनपुर रोड पर क्लेमेंट टाउन में ISBT देहरादून से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो जो देहरादून के उनको तो पता ही है, पर जो देहरादून के नहीं है मैं उनको बता दूं, जो क्लेमेंटाउन एरिया है वहाँ पर ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट, जो कि काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, वो है। इससे आगे थोड़ी दूर पर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड आता है, जहाँ पर AFCAT रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद एस्पिरेंट्स SSB के लिए आते हैं। फिर आता है बुद्धा टेम्पल। तो जैसे ही हम बुद्धा टेंपल में एंट्री करते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं प्रेयर व्हील इनको बोलते हैं और प्रार्थना चक्र बोल सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये लकड़ी के भी बने हैं और मेटल के भी बने होते हैं। आगे मैं आपको लकड़ी का बना हुआ प्रेयर व्हील दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं इसमें लिखे होते हैं मंत्र, और साथ ही साथ इनका जो उपयोग होता है वो यही है कि ये नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं और हमारी विजडम को बढ़ाते हैं। तो चलिए गौतम बुद्ध के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान, जो वर्तमान में नेपाल में है, उनका जन्म इस स्थान पर हुआ और उन्हें बिहार के गया जिले में बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गाइस, जो मुझे पता चला है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है। तो हम लोगों ने देख लिया अभी और हम ऊपर भी बैठे हैं अभी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध का स्टैचू है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पर बैठे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोगों ने सोचा यहीं पर बैठ जाते थोड़ी देर। और मैं आपको दिखाती हूँ उस साइड पर, तो ये है टेंपल और वहाँ पे भी एक स्टैचू है। ओपन होने की टाइमिंग अगर बुद्धा टेंपल की देखें तो समर के टाइम पर सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हैं, और विंटर में टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है। इस बौद्ध मंदिर का निर्माण 1965 में प्रसिद्ध कोहेन रिनपोचे और उनके बौद्ध धर्म के समर्थक धर्म की रक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उसके संरक्षण के लिए कई अन्य भिक्षुओं द्वारा किया गया था। जापानी वास्तुकला से निर्मित यह मंदिर दिखने में वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, इसकी लंबाई 103 फीट है। जितनी अच्छी जगह यह घूमने के लिए है, उससे ज़्यादा अच्छी ध्यान के लिए है, तो हम यहाँ पर आकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सब घूम रहे हैं और स्पीड देखिए, और अगर हम आइज क्लोज करते हैं और उसको फील करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये जगह, और अच्छा लगता है। अलग अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे के रिलीजन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी उत्तराखंडी हैं उन सबके लिए एक पहाड़ी सॉन्ग दीपा की तरफ से।
देखियो मैले मसूरी, देखियो मैले मसूरी, तू नैनी तल घुमा दे, नैनी तल घुमा दे, सुन ले गलिया मेरे गलिया, तू झुमकी दिला दे, नाक की ना थुली में के अति पसंद है गे, सुन ले गलिया मेरे गलिया, तू झुमकी दिला दे, नाक की ना थुली में के अति पसंद है गे। तो अब बॉलीवुड सॉन्ग गाइज। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहीं बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। तो गाइज अब बारिश होने लग गई है, इससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी। पता नहीं देहरादून का मौसम ही ऐसा है, कभी बारिश हो जाती है कभी धूप हो जाती है, कुछ मतलब पता ही नहीं चलता है मौसम का। तो अब बारिश हो रही है, अब हम लोग जाने की सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग देहरादून आएंगे तो प्लीज़ यहाँ पर आइए, बहुत अच्छी जगह है। तो ये आप देख सकते हैं कैंटीन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय कर दे बाय।